हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी मिश्रा। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो देख लीजिए, मैंने ब्लाउज की कटिंग कर दी है। अब मैं लेंथ ले लेती हूँ, तो मैं इसका लेंथ 13.5 इंच रख रही हूँ और 3 इंच की चौड़ाई पे हम गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो मैंने मार्क कर दिया है, अब 3 इंच की चौड़ाई पे नीचे के साइड भी मार्क करेंगे। तो मैंने दोनों साइड से मार्क कर दिया है। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से बराबर कर लिया है। अब गले का लेंथ लेंगे, तो मैं गले का लेंथ 10 इंच रख रही हूँ और 10 इंच पर हम मार्क कर देते हैं और यहाँ से बराबर कर देंगे। अब गले का डिज़ाइन हमें मटके शेप में रखना है, तो मैं मार्किंग कर देती हूँ मटके शेप का। ये देख लीजिए, मैंने मार्किंग कर दी है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो मैंने गले को कट कर दिया अच्छे तरीके से। अब चलिए मैं ब्लाउज का कपड़ा ले लेती हूँ, इसको भी बिल्कुल बराबर करते हुए सेम ऐसे ही हम गला कट कर देंगे। तो देखिए, मैंने इसका भी गला कट कर दिया है। अब इसको हम स्टिच करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए हम स्टिच कर लेते हैं। सबसे पहले हम गले को स्टिच करेंगे, एक सिलाई लगा के पूरा हम स्टिच कर देते हैं। ये देख लीजिए, मैंने पूरा सिलाई लगा के गले को स्टिच कर दिया है। अब इस पर हम कट्स लगा देते हैं। तो मैं पूरे गले पे कट्स लगा दी हूँ। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देते हैं। ये देख लीजिए, ये सीधा हो चुका है। अब इसको हम स्टिच करेंगे, अब गले पे एक सिलाई लगा के पूरे गले को हम स्टिच कर लेंगे। तो मैंने गले को देखिए कम्प्लीटली स्टिच कर दिया। अब इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे ब्लाउज की हम सिलाई कर लेते हैं। तो देख लीजिए, मेरी गले की पूरा सॉरी ब्लाउज की पूरी सिलाई हो चुकी है कम्प्लीटली। गले पे डिज़ाइन बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लैस लगा लेते हैं गले पे। तो मैंने लैस लिया, इसको हम गले पे स्टिच कर देते हैं पहले। देखिए, मैंने गले पे एक साइड से लैस को स्टिच कर दिया है, दूसरे साइड से भी पूरा लैस स्टिच कर देंगे। तो दोनों साइड से मैंने कम्प्लीटली लैस को गले पे लगा दिया है। अब मैं डिज़ाइन बनाऊंगी नीचे के साइड, तो इसको एक साइड करेंगे। और मैंने ये स्क्वायर साइज के कुछ कपड़े लिए हैं। अब इनका मैं डिज़ाइन आपको बना के दिखा देती हूँ, आप इसी तरीके से बना लीजिएगा जैसे मैं आपको वीडियो में बना के डिज़ाइन को दिखा रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देख लीजिए, मैं आपको कुछ डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो ये देख लीजिए, मैंने इतने सारे डिज़ाइन आपको बना के दिखा दिए हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे के साइड का, उसे कट करके निकाल दीजिएगा। और ये मेरी डिज़ाइन देख लीजिए, इसी तरीके से मैंने बहुत सारी बना के रखी थी। अब चलिए मैं आपको इसको ब्लाउज पे बना के दिखाती हूँ कैसे इस पर इसे ब्लाउज को डेकोरेट किया जाएगा। तो मैंने ब्लाउज ले लिया है। अब इसके साइड में हम कैसे इसको स्टिच करेंगे आप वीडियो में देख लीजिए। अब इसको हम पूरा ब्लाउज में स्टिच कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देख लीजिए, मैं किस तरीके से डिज़ाइन को लगा रही हूँ। आप ऐसे ही अपने ब्लाउज अब डिज़ाइन आप करने लगेगा तो सेम ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैं बना रही हूँ। और ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी आप बना लेंगे इसको। तो ऐसे ही सरल और इससे भी हैवी डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और शेयर करना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस डिज़ाइन को शेयर कीजिए, जिससे वो भी ऐसे सरल डिज़ाइन बनाने के आइडियाज़ मेरे चैनल से ले सकें। तो देख लीजिए, मैंने पूरा स्टिच कर दिया है डिज़ाइन को। अब मैं इसको थोड़ा बहुत जो डेकोरेट करना है वो करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से जो स्टिच कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा डिज़ाइन हो तो उसे कट करके निकाल दीजिएगा। अब इस पे जो हम पहले डेकोरेशन बाद में बताते हैं, पहले हम पूरे गले पे लेस लगा लेते हैं नीचे के साइड से। तो देख लीजिए मैं कैसे लेस लगा रही हूँ, आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल जहाँ से आप स्टिच किए हैं लेस को वहीं से स्टिच कीजिएगा, जिससे आपकी सिलाई ना दिखे। जो डिज़ाइन को हमने स्टिच किया है, तो मैंने लेस को अच्छे तरीके से पूरे डिज़ाइन पे लगा दिया है। अब मुझे जो मैंने डिज़ाइन बना के लगाया हुआ है बीच में, इसको मैं बड़ी वाली मोती यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर की। तो आप बड़ी वाली मोती लगाइएगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये डिज़ाइन। यहाँ से हम मोतियों को लगा देंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे मोतियों को लगा रही हूँ, इस तरीके से आप भी मोती लगा दीजिएगा डिज़ाइन पे। ये देख लीजिए, मैं इसी तरीके से कुछ मोती आपको लगा के दिखा देती हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ये देख लीजिए, मैंने आपको दो दिखा दिए, इसी तरीके से और दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए मैं कैसे लगा रही हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो तरीके से आपको दिखा रही हूँ वीडियो को। तो एक और लास्ट आपको दिखा देते हैं। तो जिस तरीके से मैं इतने सारे लगाई हूँ, इसी तरीके से पूरे जितने डिज़ाइन ब्लाउज पे बने सब पे हम लगा लेते हैं। तो देख लीजिए, ये मैंने आपको कुछ दिखाया, इसी तरीके से पूरा मैंने देखिए लगा दिया है। और ये डिज़ाइन कितनी अच्छी दिख रही है, ऐसे आप भी लगा लीजिएगा। अब मैंने ये डोरी ऐड कर लिया है, अब मैं डोरी को अच्छी तरीके से यहाँ से बांध देती हूँ। और देखिए ये डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिज़ाइन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। और मेरी कोई डिज़ाइनर ड्रेस ब्लाउज अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाके मेरी आईडी पे जा सकते हैं। और अगर आप कोई 3 मिनट के जल्दी से जल्दी छोटे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं डिज़ाइन के, तो मेरे फेसबुक आईडी डिज़ाइनपुर को फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ पूरे डिज़ाइन के, कैसे आप जल्द से जल्द बना सकते हैं। 3 मिनट की वीडियो है पूरा, आप देख लीजिए, वॉच कीजिए, आपको समझ में भी आ जाएगा डिज़ाइन। तो मेरे फेसबुक आईडी की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके मेरे आईडी पे जा सकते हैं और कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस परचेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।